अभी दूं, और वो पूतना समर्थ गुरु के मुंह पे जाकर लगा। गुरु ने किसी से कुछ नहीं कहा, पूतना उतारा और अपने कमंडल में रख के वापस अपने आश्रम चले गए। आश्रम में कुटिया बंद करी और अंदर बैठ गए। किसी से कुछ कहा नहीं, कुछ लिया भी नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। आश्रम के उनके सेवक शिष्य गण में चिंता फैल गई कि आज गुरु कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, हमें कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, कुटिया से कोई संकेत नहीं आया है। एक चर्चा होने लगी, दोपहर हुआ, कोई संकेत नहीं आया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरु के आदेश के बिना उसकी कुटिया में चले जाएं और उनसे पूछें, गुरुदेव क्या हुआ। संध्या हुई, सूर्यास्त भी हुआ, धीरे धीरे वो चर्चा आश्रम से निकल के गांव में पहुंची, पूरे शहर में फैल गई कि आज गुरुदेव अंदर हैं, कोई संकेत नहीं हुआ है, क्या घटना हुई है अंदर। सभी के लिए एक चिंता का विषय रहा। शिवाजी के पास ही खबर पहुंची कि आज गुरुदेव को संकेत नहीं दे रहे हैं, कोई बात हुई है। शिवाजी अपने सभी राजपुरोहितों को, आमात्यों को, श्रेष्ठ जनों को अपने साथ लेके पहुंचे। कुटिया के बाहर खड़े हैं कि कोई संकेत हो, पूरे शहर के लोग वहां खड़े हैं, शिवाजी सबसे आगे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि गुरु के द्वार को खटखटा दे, गुरु का आदेश नहीं हुआ है द्वार खटखटाने का। बहुत विलंब हुआ तो नजरें नीचे करके बड़ी हिम्मत जुटा के अंदर प्रवेश किया, हौले से आहट करी कि गुरुदेव। उन्होंने कहा, हाँ आओ आओ अंदर आओ। देखा तो वहां बहुत सारे दिए जल रहे थे। शिवाजी ने पूछा, गुरुदेव ये इतना प्रकाश किस लिए, क्या आज कोई उत्सव है, आपने हमें कोई संकेत नहीं किया। बोले, हाँ आज उत्सव का दिन है। उन्होंने वो बात कह सुनाई कि मैं सुबह गया था भिक्षाटन के लिए, और जब गांव में प्रथम घर में ही गया और मैंने जय जय रघुवीर समर्थ बोला, तो मैया ने वहां से मुझे पोतना फेंक के मारा, मेरे मुंह पे लगा। मैं आज स्वयं के आकलन के लिए निकला था कि मैं किस कद का हूं, मैं कैसा हूं। मैं अपनी कुटिया में वापस आया और मैंने उस पोतने को पहले धोया पानी से, साफ किया, फिर उसकी बातियां बनाई, और ये सब दिए हैं जो मैंने बट बट के जला दिए हैं। मैंने स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त की है, मैंने स्वयं के अहंकार पर विजय प्राप्त की है। हां अब मैं कुछ हूं, मैंने क्रोध नहीं किया उस मैया पर। तो कभी स्वयं का आकलन हो कि हम किस कद के हैं, तो फिर वहां जवाब मिलेगा कि आपकी भूमिका क्या है। आत्मदेव इसलिए चिंतित है कि उसका कोई पुत्र नहीं है। यह बहुत बड़ी जिजिप्सा है कि पुत्र हो हमारा, पुत्र होने तक है ये इच्छा, होने के बाद फिर कोई रुचि नहीं कि अब ये कैसा बने, ये श्रेष्ठ बने या श्रेष्ठ न बने। इच्छा तो है कि ये श्रेष्ठ बने, पर उसके लिए सन्निष्ठ प्रयास भी तो हो, वो इच्छा नहीं है। तो जैसी सबकी इच्छा थी, आत्मदेव की भी बड़ी इच्छा है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई वंश चलाने वाला नहीं है। संतान नहीं थी, बड़ा भारी कष्ट, सबसे चर्चा हो रही थी। किसी ने बताया कि एक संत आए हैं, उनका यदि आशीर्वाद मिल जाए तुम्हें तो संतान हो सकती है। भूखा जैसे भोजन के लिए तड़पता है, प्यासा जैसे जल के लिए तरसता है,
बिना पुत्र का बाप पुत्र के लिए तरसता है, जैसे मरने वाला सांसों के लिए तरसता है। वो वहां दौड़ के पहुंचा, संतों के चरणों में गिर गया, बोला गुरुदेव ऐसे मैंने सबसे अपना दुख बताया, मुझे ये ठिकाना बताया है, व्यर्थ ना होए संत गुरु भाखा। जिनकी इंद्रियां कभी नहीं डोलती, जिनके मुख से निकली हुई वाणी को सत्य होना पड़ता है, ऐसे संतों की कुटिया में पहुंच गया। जब वाणी स्वयं लज्जित होती है यदि सत्य ना हो, कि गुरुदेव ने कहा कि तेरा मंगल होगा, तो अमंगल भयभीत होने लगता है कि इसके तो गुरु ने कहा है इससे कि इसका मंगल होना है, मैं इसके पास जाऊं कैसे। अमंगल रोने लगता है कि मेरा अब यहां कोई काम नहीं। आत्मदेव के पास जैसे ही ये सूचना आई कि एक संत है, संत के पास पहुंच गए, गुरु के पास पहुंच गए, गुरु ने कहा तेरे भाग्य में तो कोई संतान नहीं है। उसने कहा ये तो बात सही है, पर आप कह दें तो ये अनहोनी हो भी सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ा दुष्ट संतान हो जाएगी, तुझे बड़ा कष्ट होगा। बोला इसका मतलब संतान तो जरूर हो सकती है। संत ने उपदेश किया कि मैं तुझे पुत्र तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना उसे बड़ा करना, पालना, उसे ध्यान से उसमें सारे संस्कार डालना जिससे वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, उसके हाथ से अपराध ना हो कोई, उसे शुरू से इसका ध्यान रखना, ऐसा संकेत किया उससे। लेकिन वो पुत्र उत्सव में संकेत को, उस उपदेश को भूल गया, अपनी पत्नी के पास गया, गुरु के दिया हुआ फल उसे दिया। अब जो धुंधली उसकी पत्नी है ये बुद्धि है। बस आज की कथा यही है कि बुद्धि और उपदेश दोनों हैं, पर दोनों अलग अलग चल रहे हैं, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो फिर धर्म जागृत हो जाएगा। धुंधली को बताया ये फल संत भगवान ने दिया है, आप लेंगी तो पुत्र होगा। उसे बताया कि संत ने कहा है इसके नियम ये हैं, लेकिन धुंधली ने अपनी बुद्धि से, जैसे कि हम नाथ के दरबार में जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं, तो उनकी अहेतु की कृपा के लिए अपने निवेदन करते हैं कि हे नाथ मेरा एक कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे बालक हो जाए, विवाह हो जाए, लग जाए, और वो हो भी जाता है। लेकिन होने के बाद ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, इसमें ईश्वर वीश्वर का कोई ज्यादा रोल नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कभी 3,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहा हो और उसे 1,00,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, तो वो कभी मानेगा नहीं कि ये नारायण की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से संभव हुआ है ना। वो कहेगा मैं इसके लायक था, और यदि गुरु कृपा से हो रहा है तो सबके साथ क्यों ना हो जाए।